पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद को प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नव वर्ष पे एक सौगात दी है इलेक्ट्रिक बस के रूप में। मुरादाबाद जो कि पहले से स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है और उसमें इलेक्ट्रिक बस की सौगात मुरादाबाद की जनता को मिली है, इसके लिए मैं प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुरादाबाद विकास की ओर चल रहा है और ये एक और कदम मुरादाबाद के विकास के लिए है। इसका लाभ मुरादाबाद की जनता को मिलेगा और सबसे बड़ा लाभ यह है कि इलेक्ट्रिक बसेस जब चलेंगी मुरादाबाद में तो जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम मुरादाबाद में रहती है पॉल्यूशन भी काफी हद तक कम होगा। हम माननीय योगी जी का बहुत बहुत मुरादाबाद महानगर की ओर से आभार कि उन्होंने एक बहुत अच्छा तोहफा नव वर्ष में हमें दिया है और ये पूरे महानगर में रहेगी सेवा। संभावना ये टीएमयू से स्टार्ट होकर ये जलपतपुर तक जाएगी, इससे कांड विधानसभा, नगर विधानसभा, देहात विधानसभा तीनों विधानसभा जो है संचालित होंगी। और अभी केवल 8 बसें आई हैं, 25 बस आने वाली हैं, तो देखिए आगे आगे होता क्या। बहुत जल्दी मेट्रो ट्रेन भी चलेगी यहाँ पर। और प्रदेश में कहाँ-कहाँ ये योजना? ये 8 महानगरों में आई है मुरादाबाद, उसके अंदर जो है उसमें 8 बसें यहाँ पे आ गई हैं और 25 बसें बहुत जल्दी 3-4 दिन में पूरी हो जाएंगी। पहले तो नाम बताइए। राजेश मौर्य। मतलब आप क्या है? सर पायलट है जी। इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं? इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। इसमें पहली बात तो ये इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक बस है जिसे इंजन वगैरह है नहीं, इसमें केवल बैटरी और मोटर लगा हुआ है और बैटरी से मोटर चलता है। डीजल पेट्रोल तो का काम है नहीं, इसमें इंजन वगैरह है नहीं तो डीजल पेट्रोल क्यों चलेगा। तो इसमें प्रदूषण को देखते हुए ये बस निकाली गई है। जिस हिसाब से हमारे शहरों में प्रदूषण हो रहा है वही देखते हुए हमारी सरकार निकाली है। आदमी को जिस हिसाब से बीमारियां हो रही है प्रदूषण के कारण, तो एक ग्रीन प्रदूषण, ग्रीन बोलते हैं ना सिटी, ग्रीन सिटी बनाने के मकसद से निकाली गई है बसें। अच्छा, ये कौन कौन से रोड पे चल पाएंगे? अभी सर तो रोड शहर में ही चलेंगे, नगर निगम ही क्षेत्र में जो इतनी आती है वही चलेंगी, देहात में भी चलेंगे लेकिन चलेंगी सिटी ही क्षेत्र में। अच्छा, अभी रूट क्लियर हुआ नहीं है कि मतलब इसी रूट पर चलेगा, और रूट हुआ भी होगा तो वो सर लोग जानेंगे। अच्छा, तो दूसरा इसके अंदर बसों के अंदर क्या क्या खूबी है, क्या क्या चीजें हैं? बोले ना कि इसमें इंजन है ही नहीं, इंजन नहीं है तो डीजल पेट्रोल का कोई काम ही नहीं है, और मोटर चल रहा है, बैटरी चल रहा है, कैमरा लगे हुए हैं, कैमरा तो है, ये 5 कैमरे लगे हुए हैं इसमें, एक फ्रंट है, एक बीच में, एक पीछे है, एक और बस के पीछे है, नीचे लगा हुआ है। तो ये कैमरा जो चल रहा है इससे किसके कनेक्शन भी है कहीं और से? हाँ जी, फिर सिस्टम है ये, अगर हम बस चला रहे हैं और हमारे सर लोग चाहे, डीओ चाहे, चाहे ऊपर से सब चाहे, तो हमारी क्या एक्टिविटी है बस के अंदर वो चेक करना चाहे तो वो बैठे बैठे ही मोबाइल से वहाँ चेक कर सकते हैं यहाँ। और जो कंडक्टर रहेगा वो अपना जो टिकट वगैरह काटता है कि नहीं काटेगा, अगर उनके जो डीओ वगैरह रहेंगे वो चेक कर सकते हैं। अब बाय द वे अगर कुछ हमने गलत किया है या किसी के साथ गलत हुआ है तो सबसे जरूरी चीज़ है कैमरा है, कैमरा से पता चल जाता है। होता नहीं कि कस्टमर हम लोग ड्राइवर से बदतमीजी कर दिया ये वो, जाके हम लोग बोले सर से तो बोले कि नहीं तुम्हें लोग की होगी, क्योंकि ड्राइवर लोग ऐसे भी बदनाम है, बोलेंगे बदतमीज होते हैं, अफसर से बोलते हैं। तो कैमरा से अलावा खूबियां हैं कई? जी हाँ ना, बहुत सारी खूबियां से तो भरा हुआ है ये। ये इसमें पावर ब्रेक, पावर स्टेयरिंग, फुल पावर स्टेयरिंग, एबीएस ब्रेक सिस्टम है इसमें, मारेंगे तुरंत खड़ी होगी बस, आगे बढ़ेगी नहीं, वहीं चिपक के खड़ी हो जाएगी। हाँ ठीक। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।